हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि मैंने बनाई है एकदम यूनिक अंदाज में और बनके तैयार हुई है बहुत मज़े की। तो ये देख लेते हैं कैसे बनती है सब्ज़ी। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 400 ग्राम्स कटहल। यहाँ पे मैंने कच्चा कटहल लिया है। मैंने कहा कि जब भी आप कटहल की सब्जी को बनाइएगा, आप कच्चा कटहल ही लीजिएगा, तभी उसके अंदर टेस्ट आएगा। और जब आप इसको कट करिएगा तो अपने हाथों को खूब अच्छे से ग्रीस कर लिएगा ऑयल से, ताकि उसका लेस आपके हाथों में ना लगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, जिसके अंदर ऐड कर दिए हैं सभी कटहल के पीसेस। और इसी के साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देंगे 200 ml वाटर, और साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देंगे 1 teaspoon नमक। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने नमक को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो हम यहीं पर लगा देते हैं प्रेशर कुकर की लेड और इसको एक प्रेशर आने तक का कुक करेंगे। उसके बाद प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेशर कुकर में एक प्रेशर आ चुका है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं कुछ मसाले ग्राइंड करने के लिए। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पीस लेनी है, जिसमें मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि रफली चॉप किया है और मैं इसको जार में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा प्याज का एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं दूसरा पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 medium size के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको कि रफली चॉप कर लिया है, और इनको एक ब्लेंडर में कन्वर्ट करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका भी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। आप यहाँ पे थिन स्लाइसेस में भी कट करके डाल सकते हैं, मगर मैंने इसको पीस के इसलिए डाला है क्योंकि इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। प्रेशर हो चुका है नेचुरली रिलीज। तो अब हम इसके लिड को खोलकर देख लेंगे और यहाँ पे जो कटहल है उसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्टेन कर लेंगे। और अगर आपको कटहल के बीज नहीं पसंद है तो आप इस मोमेंट पे इसके बीज को निकाल भी सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसी के अंदर ऐड कर देंगे 2 tablespoon ऑयल। और जैसे ही हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा, हम उसके अंदर ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें हम डाल रहे हैं 1 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची। तो अब मैं यहीं पर ऐड कर दे रही हूँ 1 teaspoon जीरा, और इन सभी मसालों को 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे होने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। और फिर मैं यहीं पर गैस की फ्लेम को लो करूंगी और यहीं पर ऐड कर दूंगी जो प्याज का पेस्ट हमने तैयार किया था उसको, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। तो प्याज हमारी यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें ऐड कर देने हैं कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट, जिसमें हम डाल दे रहे हैं 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon हम नमक डाल रहे हैं। नमक को हम पहले भी डाल चुके हैं और नमक को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 teaspoon हम यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, यानी कि धनिया पाउडर। 1/2 teaspoon हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है हमारी ग्रेवी के अंदर। तो हम यहाँ पे उसको 1/2 teaspoon डाल दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले जले नहीं, और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो हमारे मसाले भी यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुन गए हैं। तो यहीं पर हम ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर और हरी मिर्ची की जो प्योरे तैयार की थी, उसको हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। और इसको एक अच्छे सा मिक्स देंगे, ताकि मसालों के अंदर जो प्योरे है वो खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको भी मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए यूँ ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आने लगा है, यानी कि जो प्योरे है वो भी खूब अच्छे से भुन गई है। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे कटहल पीसेस, जिसका पानी हमने ड्रेन कर लिया था, और आप चाहें तो यहाँ पे इसके बीज निकाल भी सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कटहल को फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी मेथड नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हेल्दी सी रेसिपी बना रही हूँ। और मैं यहाँ पे कटहल पीसेस को मसाले के अंदर खूब अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे 150 ml वाटर। मुझे ये जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी थिकी पसंद है, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूंगी और एक बॉईल आने का वेट करूंगी। थोड़ी देर में हम देख सकते हैं कि कटहल की सब्जी के अंदर एक बॉईल आ गई है, तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और साथ साथ यहीं पर ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है हर रेसिपी में, और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, जिसमें अगर कटहल हल्का सा भी मीठा होगा तो उसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो यहीं पर हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स और यहीं पर लगा देंगे लिड कढ़ाई की और स्लो गैस पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 7 से 8 मिनट बाद हम अपनी सब्जी को यहाँ पे खोलकर देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और कितना फाइन टेक्सचर आया है हमारी सब्जी का। और आप इसे सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ। तो हमारी यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हो गई है, तो हम सीधा चलते हैं डिश आउट करने के लिए। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से हिट करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।